वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट। संजरी गोट फार्म पे हूँ शकील भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई, और कम रेंज के बकरे बता रहे हो आप, ऑन एन एवरेज जो प्राइस में बिकते हैं? एवरेज जो चल रहा है रेगुलर 600 रुपए पर केजी। 600 रुपए पर केजी। इस मरतबा 600 रुपए पर केजी के बकरों का वेट थोड़ा कम हो गया है? नहीं, वेट कम नहीं है फात भाई। ये बकरे 75-80 केजी 85 केजी ये रेंज के बकरे हैं। ओके, ये कौन से नॉर्मल वाले यानी देसी सोजत हैं? दो दांत चार दांत के हैं, सोजत है। सोजत नस्ल, सोजत नस्ल है। ओके ओके। और इसमें कुछ कोटा, वो अंडुल बकरे भी वो 600 रुपए? नहीं, वो हटा दिए, वो पालने के आदत है वो दोनों। ओके ओके। तो वो क्या रेट में दे रहे हो आप? वो भी वो नंग से है, वो नेक्स्ट ईयर पलटी के। अच्छा, वो बिक चुके हैं? ये देखिए, ये बच्चा है छोटा सा, बिक चुका है। हाँ, ओके ओके। चलिए, इसमें कोई पलटी लाएगी या सब वो पालने वाला माल? इसमें दो दांत चार दांत के बच्चे हैं। पालने वाला माल है क्या? वो हाइट फ्रेम नहीं? नहीं, हाइट फ्रेम है ना, देखिए अभी ये बच्चे की हाइट फ्रेम है। हाँ, अब इसमें ये दो दांत का बच्चा है, अभी इसकी लंबाई चौड़ाई अभी भरना है। दो दांत का ही बच्चा है। अभी देखिए, ये चार दांत का बच्चा है, इसमें दो दांत चार दांत के ही बच्चे हैं ज़्यादातर, और एवरेज 75-80 केजी के बकरे हैं। शकील भाई, इस मरतबा लोग अटकलियाँ लगा रहे हैं कि देवनाथ जो है 6 जून को खुलने वाला है जी। तो अगर आपका फार्म का माल जो है 6 तारीख तक के नहीं बिकता है, तो उन उस केस में आप लोग क्या करते हो? लास्ट टाइम मैंने सुना था, मेरा सवाल अगर कंप्लीट हो जाए, लास्ट टाइम सुना था जब देवनार खुल गया था, पटगा में लोगों का आवक बहुत कम हो गई थी, क्या ये सही बात है? और बकरे रुक गए थे? जब देवनार खुलता है ना, तो स्टार्ट में लोगों की आवक कम होती है, उसके बाद देवनार का रेट और फार्म का रेट जब दोनों को कस्टमर कंपेयर करता है, हर क्वालिटी को कंपेयर करता है, तो फिर से बकरा बिकता है। बट लोगों में ये आशा है, फार्मर तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, लोग बोलते कि बारिश जम के पड़े और देवनार का मार्केट टूटे। और ये बार बारिश की काफ़ी हैवी आशंका है कि भाई हैवी रेंज होने वाली है। फात भाई, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ किसी का नुकसान ना हो जी, कोई व्यापारी मरे ना, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई मरे और मैं उसका सस्ता बकरा खरीद के कुर्बानी करूँ। राइट, लोग ऐसे करते हैं? मेरी तो सोच ऐसी नहीं है। हाँ, लेकिन लोग करते हैं। अब सोच जिसकी अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है, ये कुर्बानी की चीज़ है, और कोई इंसान पूरा साल मेहनत करता है तो दो पैसा उसको मिलना चाहिए। तो ये जो रेट जो आप मांगते हो, आप 6 तारीख के बाद अगर माल रुका हुआ है, रेट गिर जाती है, लोगों को तभी तक के वेट करना चाहिए? बात भाई देखिए, रेट गिरता है कि रेट चढ़ता है, हम लोग का तो साल के 12 महीने का काम है, और ये मेरे बच्चे 2 दांत 4 दांत के हैं, और ये खाएंगे तो इसमें तो सब पलटी हो जाएंगे। ऐसा कोई फार्मर इन पे खर्चा करना चाहेगा? आप तो बेचने के इरादे से लाए हो। बेचने के इरादे से लाए, लेकिन नहीं बिकेगा तो घर से भी गवाने के इरादे से नहीं लाए। वो बात सही है, घर से गवाने के इरादे से भी बकरा नहीं लाया जाता। आप उन सक्षम है बट आप कमा लोगे, लेकिन कम कमाओ ना फिर अगर रेट गिर गया। फात भाई, मैं जब रेट गिरेगा, कभी रेट चढ़ गया तो वही बात सही है, कभी रेट चढ़ गया। और ये सिर्फ आई थिंक कोविड में हुआ है, जब बकरे की शॉर्टेज हो गई थी, याद है? 800 रुपये किलो कट्टू बिका है। आई नो उसके। और दूसरी बात फात भाई, ये जो सोजत की क्वालिटी है ना, आप खुद देवनार जाते हैं जी, हर वर्ष जाते हैं जी, सोजत के बकरे ऐसे देवनार में नहीं मिलते, सिर्फ अलवर मिलते हैं। अलवर में आती है, अजमेरा, ये सब बकरे आते हैं। वो बात तो सही है, सोजत के आते हैं, कम आते हैं, बहुत कम, और बहुत ज्यादा भाव होता है, हमसे ज्यादा भाव देवनार का चलता है सोजत में। शकील भाई, इसी बात पे कुछ एक वजन करा ले, वैसे तो लग रहे पैसे। एक नहीं बात भाई, मैं बोलता हूँ 10-20 बकरा वजन करा लिया करा लो। शकील भाई, भाई आ जाओ, बकरा पकड़ लो भाई, आप कुछ बकरे ले लोगे? नदीम भाई एक बकरा ले लो, आप वजन करा लेंगे। पकड़ो बकरा, नदीम भाई ये ले लो, पकड़ो ये ये, ये ये देखो पंच फेस वाला, वो लो रोमन नोज वाला, क्या बोलते हैं ये 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 वाला ये वाला ये वाला। चलो, पैर में तो कोई दिक्कत नहीं है? तो पैर लेफ्ट वाला फुला हुआ? नहीं, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है फात भाई। बकरे को लेफ्ट वाला पैर वो स्टिफ लग रहा है उसका, वो हल्का सा। दूसरा लो बकरा, ये दूसरा बकरा, दूसरा बकरा ले लो, ये खड़ा है ये ले लो, ये मेवाती ले लो, ये मेवाती पकड़ लो। हाँ पकड़ो, देखिए एडवांटेज ये होता है मंडी में खरीदने से बेटर, यहाँ से खरीदने में आपको वजन का काटा मिलता है, एग्जैक्ट वजन होता है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है पूरी, 500 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम सब रहता है फात भाई। और वैक्सीनेटेड जानवर मिलेंगे आपको, 90 किलो का है तो माशाल्लाह अच्छा ही वेट है। छोड़ दो, शकील भाई सब गुजरात का माल है? हाँ, असल में माल तो होता है फात भाई पूरा राजस्थान का ही, लेकिन वो छोटे बच्चे गुजरात में पलते हैं। ओके, तो फिर ये इसके ऊपर टैग आ जाता है गुजरात का माल। गुजरात का माल, ये तो सब 90-90 किलो के हैं शकील भाई। 86 निकाल दो, 88 माशाल्लाह। चलो
लाओ ले जाओ नदीम, चल पैर देखना बकरे का बस। ओके कान पकड़ा, तू बाहर आ, बंद कर। चलो छोड़ो, माशाल्लाह 88 केजी। ये आ जाओ, ये वाला आ जाओ। शकील भाई कौन सी नस्ल? ये मेवाती है, मेवाती है। चल मेवाती ये अलग कलर के मेवाती है, मेवाती में ये कलर कम आता है फादर। शकील भाई जितने निकाल रहे हैं माशाल्लाह सब 90 किलो के। ये दो में पकड़ना ना, डाली डाली। चलो हका दो इनको। व्हाट ब्रीड शकील भाई? सोजत ही है। सोजत सोजत 95 94 95 माशाल्लाह। चलो अभी वो देखो 9500 केजी का टकला बकरा है सामने ना, मुंडा माशा। हाँ। एक नंबर बकरा है वो, है फाद भाई वो भी 95 केजी का बकरा है, 90 95 90। यही एक बकरा है जो 84 85 निकला, बट जितने हैं 90 95 किलो के बकरे हैं जी, ये मिल जाएंगे आपको 600 रुपीस पर केजी के हिसाब से। ठीक है, डिसेंट इनफ ही प्राइस है, मार्केट में यही चलता है बॉम्बे में एटलीस्ट। ठीक है, और शकील भाई जो है नेगोशिएट भी कर लेंगे हल्का फुल्का। भाई देखिए 55 60 किलो का बकरा भी 600 रुपये ही चल रहा है, और मेरा 90 किलो का बकरा भी मैं 600 रुपये में ही दे रहा हूँ। राइट, 90 95 किलो का बकरा। चलिए, तो कहीं ना कहीं संजरी एक लेवल से बल में रहती है। तो बात ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।